हत्या है। मनीषा कल तक स्वस्थ थी, जब तक वो सरकारी हॉस्पिटल में थी, जिले के हॉस्पिटल में, आज वो हायर सेंटर आई है। कल डॉक्टरों द्वारा सरकार से साठगांठ करके उसकी हत्या की गई है। जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, इसके पीछे का जो सत्य है वो नहीं निकलेगा। मांगे पूरी नहीं होगी, धरना चलता रहेगा। हम अपनी बहन बेटियों का अपमान, पूरे देश की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता में बैठे लोग ये जाने कि बहन बेटियां सबकी होती हैं। 14 दिन तक तमाम मीडिया के लोग चुप रहे, उसका खामियाजा दलितों को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारी बच्ची की जो है हत्या की गई, रैंकिंग हत्या है, क्योंकि वो 14 दिन तक सरकारी अस्पताल में सुरक्षित थी। एक दिन वो दिल्ली आती है, हायर सेंटर आती है, पीड़ित परिवार के लोगों को अस्पताल के डॉक्टर निकाल देते, कह के हम अपने आप देखेंगे। और रात सुबह हमें खबर मिलती है कि हमारी बहन जान चली गई। हम तकलीफ में और न्याय चाहते हैं। मांग ये है कि ऐसे वैसी दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए, पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने इसमें लिपापोती की, जिन्होंने इतने दिन तक जो है अपने आरोप गिरफ्तार नहीं किया, उन पे सेक्शन 4 का मुकदमा चले, उनको जेल भेजा जाए, पीड़ित परिवार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, उनको रहने के लिए गांव में उनको खतरा है, एक सरकारी आवास जो है शहर में दिया जाए, पीड़ित परिवार को इस न्याय के लिए 1 करोड़ रुपए सरकारी मुआवजा और 1 सरकारी नौकरी दी जाए। और अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो कल जो है हम लोग सड़कों पर उतर के, और आज से हम लोग सड़कों पर। आपको बुरा लगेगा मगर मुझे कहना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आप तो मेरी बहन है, आज भी एक महिला है, अगर आपने जिम्मेदारी पहले मीडिया के लोगों ने उठाई होती तो आज हमें अपनी बहन की लाश से नहीं लेके जानी पड़ती। मुझे तकलीफ है कि आज भी देश में जातिवाद है और जातिवाद की वजह से आज तक हमारी न्याय की मांग नहीं उठी। अब जब हमारी बहन चली गई है, मीडिया के तमाम लोग यहाँ उपस्थित, तो मुझे तकलीफ है इस बात की। हमारी मांग है, वी वॉन्ट जस्टिस, हम मनीषा के न्याय चाहते हैं। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा, ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा, फास्ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के उनको अति शीघ्र जो है फांसी पर लटकाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये राजनीतिक हत्या है। मनीषा कल तक स्वस्थ थी, जब तक वो सरकारी हॉस्पिटल में थी, जिले के हॉस्पिटल में, आज वो हायर सेंटर आई है। कल डॉक्टरों द्वारा सरकार से साठगांठ करके उसकी हत्या की गई है। जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, इसके पीछे का जो सत्य है वो नहीं निकलेगा। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, धरना चलता रहेगा। हम अपनी बहन बेटियों का अपमान, पूरे देश की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता बैठे लोग ये जाने कि बहन बेटियां सबकी होती हैं। 14 दिन तक तमाम मीडिया के लोग चुप रहे, उसका खामियाजा दलितों को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारी बच्ची की जो है हत्या की गई, रैंकिंग हत्या है, क्योंकि वो 14 दिन तक सरकारी अस्पताल में सुरक्षित थी। एक दिन वो दिल्ली आती है, हायर सेंटर आती है, पीड़ित परिवार के लोगों को अस्पताल के डॉक्टर निकाल देते, कह के हम अपने आप देखेंगे। और रात सुबह हमें खबर मिलती है कि हमारी बहन जान चली गई।